दोस्तों, ये रोटर फिल्टर होता है। ये 100 cc गाड़ी का रोटर फिल्टर है और इसे साफ करते हैं क्योंकि इसमें हेमरी वगैरह आ जाती है, तो इसे साफ करना पड़ता है। जैसे इसके नीचे ही एक जाली लगी रहती है, ये भी ऑयल को छानने का काम करती है। इसे साफ करने के बाद फिर से फिट कर देते हैं। और इस पे जब भी अपन साफ करेंगे, साफ करने के बाद इसकी गैस्केट बदलनी होती है। गैस्केट नहीं बदलेंगे तो ऑयल लीकेज होने की संभावना बनी रहती है। ये रोटर की गैस्केट होती है, इसको भी बदलना पड़ता है। और इसके अलावा जो क्लच कवर खोलते हैं उसकी गैस्केट को भी बदलना पड़ता है। गैस्केट नहीं बदलेंगे तो लीकेज के चांसेस बने रहते हैं। जो अपन गैस्केट बदलेंगे तो उसमें जो पुरानी पैकिंग लगी रहती है उसको भी अपन को अच्छे से साफ कर लेना है। और ये रोटर फिल्टर को साफ करने के बाद, पैकिंग लगाने के बाद चारों नट कसेंगे। उसके बाद सभी नटों को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम टाइट करेंगे। ये रोटर फिल्टर हर अल्टरनेट सर्विस पे हमें साफ करना होता है क्योंकि इसमें हेमरी वगैरह आ जाती है। हेमरी के आ जाने से गाड़ी का सर्कुलेशन बिगड़ने, ऑयल का सर्कुलेशन बिगड़ने लगता है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे हम टाइट कर देंगे और बराबर इसको चेक करेंगे, एक के बाद एक आमने सामने वाले नट को टाइट करेंगे। उसके बाद अपन को जब भी खोलना है तो आमने सामने वाले नटों से ही खोलेंगे। और इसमें जो ऑयल चलता है, घूमता है, तो खुलने की वजह से इसे टाइट करना होता है। बार बार क्या है, घूमेगा तो खुल ना जाए, इसे टाइट कर देंगे। उसके बाद हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि सारे नट बराबर कसे हुए हैं कि नहीं। क्लच कवर की जो पैकिंग होती है उसको भी अच्छे से छुटा लेना है क्योंकि इसको नहीं साफ करेंगे तो, साफ नहीं होगी तो फिर उसमें ऑयल लीकेज होने की संभावना बनी रहती है। अच्छे से साफ करने के बाद फिर जो हमारी नई पैकिंग होती है, तो नई पैकिंग को हम बराबर इसको जहाँ पे एडजस्ट होके लगना है सही दिशा में लगाएंगे उसको। सही नहीं लगाएंगे तो क्या है, इसमें ऑयल के जो होल रहते हैं वो ब्लॉक होने का डर रहता है। ठीक है, तो उसको एक बार चेक कर लें सही से लगी है कि नहीं, मतलब कट बराबर सही आना चाहिए। उसके बाद हम क्लच कवर को चेक करके सेट कर देंगे उसमें। ठीक है, और सारे नट इसमें अपन कस देंगे। एक नट होता है जो इसमें थोड़ा लंबा होता है, वो अलग रहता है, और बाकी सब बराबर नट रहते हैं, तो उसमें कस देंगे। सभी नटों को बराबर टाइट कर देंगे और इसे क्लच की जो स्प्रिंग होती है उसको भी फंसा देंगे, और ये डिपस्टिक होती है इसको भी डाल देंगे। डिपस्टिक अभी कसना नहीं है, ऑयल डालने के बाद फुल कसाएगा वो। सभी नटों को बराबर फंसा देंगे। उसके बाद चेक कर लेना है कोई नट छूटा तो नहीं है, और 10 की टामी की सहायता